और क्या नज़ारे हैं फ्रेंड्स राजस्थान के। यहाँ पे 3500 से ज़्यादा पैसेंजर यहाँ पे। मुंबई की लोकल ट्रेन है और एक्सप्रेस ये क्रॉस कर रही है दुरंधो एक्सप्रेस, जो काफ़ी भीड़ रहती है। मॉर्निंग से लोग यहाँ पे लग जाते हैं लोकल ट्रेन के पीछे। काफ़ी शानदार दिख रहा है और काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन किया हुआ है पुराने लुक में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त निर्मल कुमार फिर से आप लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं जयपुर टू आपका मुंबई सेंट्रल। तो गाइज आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नहीं होंगे तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, साथ ही सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह का नज़ारा आपका जयपुर रेलवे जंक्शन का। और अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं। ऑलरेडी मेरी ट्रेन लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 में। काफ़ी भीड़ भाड़ है। गाइस ये टायरे सभी यहीं पे सवार होने वाले। आज हम लोग सफर करने वाले हैं आपको मुंबई सेंट्रल की ओर। और ऑलरेडी मेरी गाड़ी लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 में। हम लोग थर्ड एसी में सफर करने वाले फ्रेंड्स, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। चुकी देख सकते हैं मुंबई जयपुर। ऑलरेडी ये जयपुर से ही खुलती है। जयपुर यहाँ पे टाइमिंग रहती है 2 बजे और मुंबई आपका 7 बजे पहुँचा देती है। टोटल आज हम लोग 1200 किलोमीटर का सफ़र करने वाले हैं। काफ़ी लंबी ट्रेन है, आप देख सकते हैं एकदम पीछे तक हम लोग अभी पीछे जाना होगा। और ये ट्रेन जयपुर से डेली चलती है। मेरी कोच है B2, उस ट्रेन की रूट है MP होते करके गुजरात में एंट्री करते और गुजरात से खुल चुकी है। अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं। आप लोगों का व्यूज भी दे देता हूँ, यहाँ का वाशरूम कैसा है और साफ़ सुथरा ही है। यस साफ़ सुथरा है। और मेरी सीट नंबर है 72। मेरी साइड वाली आपका बर्थ है, साइड साइड ऊपर। और गाइस ट्रेन खुल चुकी है टाइमली 2 बजे यहाँ से। बाय बाय जयपुर, बहुत जल्द मिलते हैं। आराम से भाई लोग, काफ़ी भीड़ है। यहाँ से ट्रेन खुल चुकी है और नेक्स्ट स्टॉपेज है सवाई माधोपुरा जंक्शन। और क्या नज़ारे हैं फ्रेंड्स, राजस्थान की फेमस खेती सरसों की खेती खेतों में लहलहाती हुई आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा ले लिया तो उसमें खाना ऐड है, ऐसा कुछ बोला खाना ऐड तो वही नहीं था, देखने में खाना ऐड नहीं होती है। देखिए हमारे पास कितना मामले का 4800 दिया दो का। हाँ 4800 दो का, दो का तो भी आप डायरेक्ट तत्काल ही मारे कि एजेंट से आप लिए? नहीं मैंने एजेंट से लिए। आप भी एजेंट से लिए? तो एजेंट से लिए तो आपका कितना पड़ा? 2300। नहीं 2340 एजेंट को वैसे 500 लेता है। हाँ 200 या 300 रुपये 2100 आपकी लगी। हाँ और आपका 2400। हाँ वो किराए वाला ये ऑटो वाला को बोले थे, ऑटो वाला को ऑटो वाला को बोला। हाँ तो बंदे फिर वो मार लिया ना 250 रुपया। वो तो ले गए ना। ऐसे हम लोग पहुँच चुके हैं सवाई माधोपुरा जंक्शन जो आपका राजस्थान में ही आता है। अभी तक हम लोग 131 किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं। कैसे भाई पकौड़े कैसे? 60 का 200, 100 ग्राम देना 30 का। लोग अभी हम पकौड़ा लिए 30 रुपया का है, मिर्ची भी दिया हुआ है, अच्छा लग रहा भाई। इधर लोग भजिया बोलते हैं। और गाइस यहाँ पे मधेपुरा में इंजन चेंज हो चुकी है और 15 मिनट के बाद हम लोग निकल चुके हैं नेक्स्ट स्टॉपेज हम लोग की कोटा।
ट्रेन आ रही है उदयपुर से और पहुंचने वाली है कोटर। हम लोग भी पहुंचने वाले हैं कोटर। स्टेशनों में भाई बाढ़ की तरह जनसंख्या आप देख सकते हो, काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म है और पर डे इस स्टेशन से 35,000 से ज़्यादा पैसेंजर सफ़र करते हैं। चिकन बिरयानी है ही नहीं है, अंडा बिरयानी भेज। ओके, भेज बिरयानी कैसे? 80 अंडा 90 थाली। हाँ भेज थाली 120। उसमें क्या क्या आ जाएगा? सब्जी है, दाल फ्राई है, जीरा राइस है, चपाती है, अचार। ओके, अंडा बिरयानी। अभी हम ऑर्डर किए थे अंडा बिरयानी, चलिए अंडा बिरयानी आज टेस्ट करते हैं कैसा लगता है, क्योंकि रेलवे में बहुत कम मैं खाना खाता हूँ अंडा बिरयानी, खास करके मैं भेज थाली खाता हूँ। और बढ़िया दिख रहा भाई, और ये 90 रुपया का है। दोस्तों ये लोकल ट्रेन हर 5 मिनट में आपको मिल जाएगी, मुंबई के हर एरिया जाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं और सस्ते में भी आप घूम सकते हैं पूरे मुंबई ये लोकल ट्रेन से। क्या स्पीड है भाई, पीछे छोड़ दिया एक्सप्रेस को भी, तुरंत स्पीड पकड़ जाती है लोकल ट्रेन। जा रही तो एक इधर से आ रही, वो भी स्पीड में फुल स्पीड है भाई।